कि जैसा हो जो लड़का ऐसा हो यंग जो इसको संभाल सके। भाई मैं तो अपनी जो है 20-30 लाख में नकद दे दूंगा। अच्छा, और ये अपनी ये गाड़ी दे दूंगा भाई मैं तो। राजेश जी आप ही हैं? हाँ जी, हाँ जी। तो सर आपने हमें क्यों बुलाया था मैं बता दूं गाइस आप लोगों को कि ये राजेश जी हैं, हम यूपी आए हुए हैं इस टाइम, और जो है यहाँ पर ये हमारी वीडियो देखी थी तो इन्होंने हमसे कांटेक्ट किया। तो सर क्या प्रॉब्लम है आपके साथ, बताएंगे कुछ अपने बारे में? भाई ये प्रॉब्लम है जी मेरी दो है, मैं जो है गाँव का, इस गाँव का सरपंच खुर्जा गाँव का भाई मैं। अच्छा, खुर्जा कहाँ पड़ता है? खुर्जा यूपी में पड़ता है जी मेरा ये। हाँ यूपी में पड़ता है ये खुर्जा, ये अलीगढ़ से बहुत पहले पड़ता है ये खुर्जा, ये वहाँ का मैं सरपंच हूँ मैं। ठीक है। हाँ पंचायती के चुनाव में लड़ चुका हूँ मैं। अच्छा जी। और पंचायत के चुनाव भी लड़ चुका हूँ मैं। बाकी जो है मेरी उम्र जो 55 साल की, इसके संग शादी करी थी मैंने। ये कौन है, ये लड़की कौन है? ये मेरी मिसिस है, ये वाइफ। अच्छा, है मेरी, ये तो मैं इसके संग शादी कर चुकी हूँ। बेटी की है भाई? अब ठीक है, जब कर ली जब कर ली, जब इसका भी कोई सहारा नहीं था। मैडम क्या एज है आपकी? सॉरी 25। अभी 23 सुना था शायद मैंने, क्या एज है आप बताएंगे? 25। अच्छा शायद मैं गलत सुन लिया, 25 है सर आपकी? मेरी जो है 50 साल की उम्र जी। 50 साल, मतलब यार एज डिफरेंट देख रहा हूँ, मतलब बिल्कुल डबल का है, डबल का। तो मतलब यार कैसे शादी कर ली, क्या सिचुएशन है आप थोड़ा बताएंगे? मेरे माँ बाप नहीं है, कोई नहीं है मेरे घर का, तो मैं यहीं रहती थी अंकल के यहाँ। तो फिर अंकल के यहाँ, अंकल ने बताया था कि आप इनकी कोठी वगैरह में काम करती थी। हाँ ये मेरे पास झाड़ू पोछा करती थी, काम करती थी, ये काम वाली थी इसकी जो है। तो आपने इनसे शादी कर लिया? बस यूँ कर ली थी, जिसको कोई सहारा नहीं था। अच्छा। कोई मुझे काम पर रखे थे, इसका इसको पेट भर की रोटी मिल जाएगी साथ, मुझे अच्छी लगी तो मैंने तो दर 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 अच्छे तो घर की मालकिन बन जा भाई। नहीं अंकल जी आपने तो अच्छा ही सोचा। मैंने अच्छे तो घर की मालकिन, मैं तो दर दर की ठोकरें खाएगी वहाँ। बीवी नहीं है? नहीं जी मेरी बीवी नहीं है जी। आपने शादी क्यों नहीं करी? शादी हुई नहीं करी तो मैं अपने व्यापार फंसा था, मैं इससे कभी नहीं करी थी। कोई था कोई आजकल 420 ज्यादा है, कोई दहेज के चक्कर कोई मार उठ ना दे, और मैं कोई जरूरत पड़ी नहीं थी मेरे को तो। अच्छा तो अभी क्या जरूरत पड़ी? अब इसकी सहारे की मजबूरी मैंने इसे करी है, जो इसको सहारा देने के लिए। अच्छा तो मैडम क्या चाहती हैं आप बताइए? अब मैं तो ये चाहता हूँ बेचारी, ये तो शर्माती बहुत ज्यादा है। मैं ये चाहता हूँ जैसे कोई अच्छा से इसे हेल्प के लिए आपको बुलाया, कि अच्छा तो कोई लड़का हो आपके जैसा हो, जो लड़का ऐसा हो यंग जो इसको संभाल सके। भाई मैं तो अपने जो है 20-30 लाख में नकद दे दूंगा। अच्छा, और ये अपनी ये गाड़ी दे दूंगा भाई मैं तो। अच्छा तो एक बार बताइए आप इनकी दूसरी शादी कराना चाहते हैं? हाँ जी हम इसकी दूसरी शादी करते हैं। मैं तो रेडी है करने के लिए। मैं यूँ कराना चाहता हूँ, देखो मैं ऐसे मेरे 50 साल की मेरी उम्र हो गई। हाँ। और शरीर का पता नहीं, मैं शरीर से हार्ट पेशेंट आदमी हूँ। सही बात है, हार्ट पेशेंट आदमी, मेरे सांस चल जाती, कल को मेरा अटैक पड़ जाए, कुछ हो जाए जी, मैं निकल सकता हूँ जी। तो इससे अच्छा इसका जीवन क्यों नरक करूँ भाई मैं। सही बात है। तो मैं चाहता हूँ भाई मेरे अपने घर पका काम ये संभालो, अच्छा से लड़का हो जो इसके साथ रह सके। आपका काम वगैरह क्या है, प्रॉपर्टी? मेरा जो प्रॉपर्टी भी मेरे पास बहुत है जी। सरपंच हैं और प्रॉपर्टी का भी डील करते हैं। अच्छा, और पंचायत के चुनाव भी लड़ चुके, पंचायत चुनाव जीत चुके भाई जी। हाँ ये गांव है खुरीजी करके। हाँ ठीक है, और आप क्या कह रहे हैं कि कितने एज वगैरह क्या क्या चाहिए, किस टाइप का लड़का चाहिए आपको? ये कम से कम ऐसे 27-28-30 साल तक, 30 साल तक चल जाएगा। हाँ 30 साल का वो, नहीं नहीं पैदल के 30 साल तक, 30 साल तक का। तो गाइस जो लोग भी वीडियो देख रहे हैं ठीक है, अपना नाम नंबर और फोटो जो है कमेंट करें तो मैडम और सर उनसे कांटेक्ट करेंगे। और सर आप बता रहे हैं कि जो भी इनसे शादी करेगा आप क्या क्या उन्हें देंगे? मैं उनको 20-30 लाख में दे दूंगा और ये गाड़ी दे दूंगा। अच्छा, 20-30 लाख मतलब 50 लाख? हाँ है, लगभग ये 20 लाख की मेरी गाड़ी थी। अच्छा 20 लाख की गाड़ी, ये देख सकते हैं आप, ये कौन सी गाड़ी है? देखो आप देखो, ये ब्रेजा गाड़ी है ना? हाँ जी हाँ जी। तो हम यूपी आए हुए थे और जो है ये यहाँ पर सर मिले हमें। तो कोई और रिक्वायरमेंट है आपकी कि किस टाइप का लड़का हो? लड़का ऐसा पढ़ा लिखा हो जो कारोबार संभाल सके और अच्छा। जो अपने इसको पेट भर के खाने दे सके, कुछ ऐसी कोई इसको खुशी दे सके। अच्छा अच्छा, कोई ऐसी आसपास की डिस्ट्रिक्ट बताएंगे, जैसे दिल्ली से हो, पंजाब से हो, हरियाणा से? दिल्ली पंजाब से हो, आसपास के इलाके में मुझे दिक्कत नहीं है, मगर ऐसा हो लड़का ठीक हो, पढ़ा लिखा हो, ठीक ठाक हो। हाँ लड़की मेरी पढ़ी लिखी, ये जो है ये मेरी घर वाली जो मिसेज पढ़ी लिखी है। अच्छा, नशा वगैरह ना करता हूँ? हाँ मगर ये एक चीज ना हो, नशा गांजा ये दारू वाला बंदा मुझे नहीं चाहिए। अच्छा, ऐसे बंदे बिल्कुल भी ना, ना जी ना, नशे वाला बंदा मुझे कोई भी नहीं चाहिए। और मुझे इस प्रकार से जो आदमी सिंपल हो, जो चल सके। तो अब एक बात बताइए, जब इनकी जो है शादी हो जाएगी तो फिर आप जो है किस तरीके से, आपके आप इनके साथ रहेंगे? नहीं नहीं, मैं इनके साथ ही रहूँगा। जब चाहेगी मिलने आ सकती है मेरे को देखभाल करने के लिए, अगर अपना समझे तो आ सकती है ये। हाँ अपना समझ के ये आ सकती है, मेरे को ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, और जो इसको प्रॉब्लम पड़ेगी किसी चीज़ जरूरत पड़ेगी मेरे को ले सकती है मेरे से। अच्छा। इसको मैं दिल से प्यार करता हूँ, दिल से चाहता हूँ इसको भाई। जो प्यार करते हो तो फिर दूसरी शादी भाई चक्कर, इसने मेरे बुरे पक्ष पर साथ दिया, शादी यूँ कर रहा हूँ भाई, मेरे शरीर का पता ही नहीं। कल को इसको लालचा उठाएगा, बुड्ढे के साथ मैं ऐसा कर लिया, बुड्ढे के साथ मैंने अत्याचार कर दिया, बुड्ढे के साथ इसने इसको मार दिया, कल को इस पर इल्जाम ना आ जाए। अच्छा अच्छा अच्छा,
मैं तो इसलिए कह रहा हूँ कि इस पर कोई कल को इल्ज़ाम ना आ जाए, कल कोई ये कह दे कि बुजुर्ग को ये करके इसने जो बुजुर्ग को मार दिया भाई। अच्छा अच्छा, इसके ऊपर इल्ज़ाम ना आए, इल्ज़ाम ना आ जाए। आपकी फैमिली में भी कोई नहीं है? नहीं नहीं, मेरी फैमिली में कोई नहीं है जी। अच्छा, तो एक बात बताइए, आपने सब कुछ बता दिया, ठीक है सब कुछ मैं मानता हूँ, कोई और रीज़न? कोई और रीज़न ये है कि ना तो मैं इसकी चॉइस पूरी कर सका। अच्छा, दूसरी चीज़ है भाई, कम कम से कम हर इंसान चाहता है बच्चों में किलकारियाँ चले। अच्छा अच्छा, बच्चे घर में बच्चे हों, खेले कूदें, तो ये लगता तो अगर बच्चे भी इसके हो ये का तो हो जाते तो मैं कम से उसके सारे भी जिंदगी काट। कोई बच्चे नहीं? नहीं नहीं, मेरे बच्चे ना, और इसके इससे भी कोई मेरा बच्चा नहीं हो पाया। नहीं हो पाया मतलब, क्योंकि यार एज हो रही है 50 साल की एज है इस टाइम तक। हाँ, ऐसा बच्चा नहीं, तो मैं ये चाहता हूँ कि ऐसा लड़का हो जो इसको घर में किलकारियाँ दे, इसके साथ में बच्चा बालक बच्चा हो जाए, मतलब दिक्कत ही नहीं हो गई। मैं इसलिए इसका अच्छा चाहता हूँ। तो गाइस, जो भी इनसे मैडम से शादी करेगा, दीदी से शादी करेगा, वो उन्हें अंकल बोल रहे हैं 30-40 जो भी 50 लाख तक कैश दे देंगे, और ये गाड़ी है, ये गाड़ी दे दोगे अंकल? हाँ जी, हाँ जी, गाड़ी दे देंगे। और क्या भाई, पैसे दे दूंगा भाई, जो है भाई, मैं जब मैं उसको जरूरत पड़े जब आ सकती मेरे साथ। अच्छा चलिए ठीक है गाइस, अपना नाम नंबर नीचे कमेंट करें जो भी इनसे शादी करना चाहता हो, ठीक है? और आप लोग कहाँ से हैं वो भी कमेंट करके जरूर बताएं। ठीक।